स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट आज हम लोग अक्टूबर माह का जो असाइनमेंट 2 मिला है संस्कृत का कक्षा 10वीं का हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं पूरा इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और यहाँ पे बस मैं आंसर लिखा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। तो क्वेश्चन को आपको जो स्कूल से PDF मिला है उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सभी आंसर को लिखा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न 1 लिखा है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्तम प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता। जो यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो क का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और ख में क्या बोल रहा है, ख में जो प्राप्यनोति लिखा हुआ है उसका हम लोगों को पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जो ये प्राप्यनोति लिखा हुआ है उसका पर्यायवाची शब्द विदन्ते होगा, ठीक है। और ग में जो लिखा है मूर्ख इति पदस्य, उसका हम लोग को विलोम शब्द लिखा है। तो मूर्ख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुद्धिमान विद्या, ठीक है। उसके बाद जो घ में लिखा हुआ है बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय, तो जो लास्ट में घ वाला है उसका बुद्धिमान का प्रकृति प्रत्यय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिमान का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसको संधि विच्छेद कर देंगे फिर हम लोग देखेंगे कि उसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो बुद्धि धन मान, इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा मान, ठीक है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर देखिए, पहले का आंसर ये सभी मैं आपके जो बुक में दिया हुआ था युधिष्ठिर पाठ करके वहीं से मैं लिखा हूँ, ठीक है। उसी पाठ से इस बार ये पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं वहीं से लिखा हूँ, तो आप जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है पूरा, ठीक है। अब प्रश्न 3 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा लिखतम। मतलब जो तीसरे में जो अंडरलाइन किया हुआ है ये जो क्वेश्चंस उसका हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो हम लोग मैं यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद करके आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे व्यंजनम चलति, फिर दिगंबर जगदीश मधुर गीतनम, सबका मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, संधि विच्छेद कर दिया हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन लिखा है और उसमें जो अंक लिखा हुआ है, मतलब कि मान लीजिए आपको लिखा है कि ये 4 अंक का है, इसको 50 वर्ड में लिखना है, तो आप 50 वर्ड में ही लिखिए, ठीक है। आप मैं बहुत YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें कि आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो ऐसा मत करिए, खासकर हिंदी में, ठीक है दोस्तों। या हिंदी, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, इन लोगों में ध्यान दीजिए। संस्कृत में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसलिए संस्कृत का आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी यूट्यूब से लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और आंसर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देखिए लिखा अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा पद्यांशे प्रयुक्त यानि अष्ट व्यय पदानि चित्वा लिखता। इसका मतलब क्या होता है, जो ये अव्यय पदानि जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में परिवर्तन ना हो, तीनों वचन में भी उसका कोई परिवर्तन ना हो और सातों विभक्ति में भी उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे का तैसा ही रहता है वो, ठीक है। जो लिखा रहता है वो तीनों वचन में भी वही रहता है और सातों विभक्ति में भी वही रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो जो वर्ड कितना वर्ड 8 वर्ड लिखना था और इसमें मैं 8ों शब्द लिख दिया हूँ, सर्वदा अपि एकदा तत्र यदा, ये सब जो शब्द है सर्वदा अपि, ये ना ही तीनों वचनों में परिवर्तन होते हैं और ना ही सातों विभक्तियों में परिवर्तन होते हैं, आप जाके ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने संस्कृत सर से भी पूछ सकते हैं कि ये जो अवयव पदानि होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, बोल रहा है पृथक पद को चुनना है। इसमें क्या बोल रहा है, पृथक पदम चिनुत, इसका मतलब होता है कि पृथक पद को चुनना है, जैसे कि जो इन चारों में से जो अलग है शब्द उसी को हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का धातु रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ, सबका अलग अलग अर्थ होता है, जो सबसे अलग हो वही इसका आंसर होगा, ठीक है।
फिर सेकंड में भी वही है आपका, दूसरे में, फिर ख में देखिए लिखा हुआ है निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तन कुरुत, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको रूप परिवर्तन करना है। तो राशि लेखनम लिखति, जो राशि है लेखनम लिखति, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरे को आप चेंज कर दो, ठीक है। हमेशा जो वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, लिखति क्या है, क्रिया, उसी का लट लकार में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, राशि लेखनम लिखिष्यामि, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे अन्यानक नित्याति, इसको लट लकार में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिया है तो क्या है, नित्याति है, तो वही बस चेंज होगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही सभी मंथ के, जो भी मंथ के असाइनमेंट आएंगे सबको मैं अपलोड करते जाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन कर